हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बनाएंगे खस्ता पूरी। पूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी आटा लिया है। और एक कटोरी मैंने मैदा लिया है। आधी कटोरी या फिर 4 टेबलस्पून सूजी अच्छे से मिला देंगे इसमें। और इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच घी या ऑयल। अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसका डो तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम आटा तैयार करेंगे। आटा हम इसका थोड़ा सा फुल्का से सख्त रखेंगे। पूरी का आटा जो हमें थोड़ा सा हार्ड रखना है। तो देखिए, आटा हमारा तैयार हो गया और अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। उसके बाद फिर हम इसको फिर से तैयार करेंगे और पूरी बनाएंगे। तो 10 मिनट के बाद हम आटे को एक बार फिर से मल देंगे इस तरीके से। देखिए, आटा जो हमारा कितना सॉफ्ट हो गया है। देखिए, इस तरीके का आटा होना चाहिए, ना ज्यादा सख्त और ना ही ज्यादा नरम। अब हम पूरी बेलेंगे। हाथ पे हम थोड़ा सा ऑयल लगा के इसकी छोटी छोटी लोई बेलेंगे। दो तीन हम पेड़े बना लेंगे इसके। तो इतनी इतनी लोई हमने बना ली है और अब हम थोड़ा सा घी लगा के चकले पे इसको बेल। तो आप पूरी मेकर से भी आप बेल सकते हैं। मैं आपको दोनों तरह से बताऊंगी, इस तरीके से। और अब हम देखेंगे, तेल हमारा गर्म हो गया है। तेल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए और इस थोड़ा आटा लेके इसको डाल के देखेंगे। तो देखिए, तेल हमारा पूरी के लिए बिल्कुल सही गर्म है और अब हम इसमें पूरी डालेंगे जो हमने बेल रखी है। इसको थोड़ा थोड़ा बीच में हल्का हल्का प्रेस करेंगे। तो देखिए, पूरी हमारी पूरी तरह से फूल गई है और बहुत ही खस्ता पूरी बनी है। साइड पे कलछे करके हम जो एक्स्ट्रा घी है ताकि निकल जाए, इसको 2 मिनट के लिए रोके रखेंगे। और अब हम इसे निकाल के प्लेट में डालेंगे और इसी तरीके से हम बाकी पूरियां भी बेल के तल लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी पूरी बेलेंगे, थोड़ा सा ऑयल लगा के इस तरीके से अब हम इसे बेल लेंगे हल्का हल्का। इसे भी हम तल लेंगे। इसी तरीके से हम सारी पूरियां एक एक करके तल लेंगे। पूरी तलते समय आपने ध्यान देना है कि हल्का हल्का इसको प्रेस करना ताकि पूरी अच्छे से फूल जाए और जो ऑयल है वो भी हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए। अगर तेल हमारा बहुत ज्यादा गर्म है, आप उसको फ्लेम को कम भी कर सकते हैं। जरूरत के हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं।
जिसके पास पूरी मेकर है तो पूरी मेकर में भी उसी मेथड से हम दोनों तरफ ऑयल लगाते हुए इसे दो बार हल्का हल्का प्रेस कर देंगे। तो देखिए हमारी पूरी बनके तैयार है और अब हम इसे तल लेंगे। हल्का हल्का हम हिलाते हुए इसे इसी तरीके से हम दूसरी बेल लेंगे। पतली या मोटी आप अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। पूरी मेकर को एक दो बार और भी प्रेस कर सकते हैं अगर आपको पतली खानी है। हमारी गर्मा गर्म खस्ता पूरी, इसे आप आलू की सब्जी या फिर सफेद चने के साथ आप इसका मजा ले सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी अगली वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।